कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः याशां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्त्या विहीन अपराधलक्षैः क्षिप्ताश्च कामादितरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्वखलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण गुरुवैष्णव भगवान तीनेरस्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरन। कल हमने द्वितीय अध्याय शुरू किया था, इसमें बोल रहे हैं कि जो तृतीय श्लोक जो ब्रह्म ज्योति जो साधारण लोग जानते हैं वही मेरे चैतन्य महाप्रभु का अंग कांति है, जिसको साधारण लोग अंतर्यामी परमात्मा रूप में जानते हैं वो मेरे प्रभु चैतन्य महाप्रभु का अंश है, और जिनको स्वरूप में स्वयं भगवान बोलते हैं वो मेरे चैतन्य महाप्रभु स्वयं हैं। तो उन चैतन्य महाप्रभु को मैं परतत्व रूप में उनको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार बोलने के बाद इस श्लोक का उन्होंने विस्तार रूप से वर्णन कर रहे हैं कि जो भगवान को तीन अंशों में जाना जाता है, एक ब्रह्म परमात्मा और भगवान, त्रिविध रूप में तीन प्रकार में एक ही अद्वैय ज्ञान है। लेकिन जो तत्वविद व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो तत्व वस्तु को वास्तव में जानता है, वो उस एक ही वस्तु को तीन प्रकार में अनुभव कर सकता है, अनुभव करता है, और वो जो है भगवान श्री कृष्ण जो है नंदसुत, जो नंदनंदन श्री कृष्ण स्वयं भगवान जो विष्णु का भी परतत्व है, वही स्वयं भगवान और वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु है वही परतम तत्व है। ये स्थापित करने के बाद उन्होंने तीन है ब्रह्म परमात्मा और भगवान, उसमें ब्रह्म के बारे में विवरण कर रहे हैं। ब्रह्म उनका ही मतलब महाप्रभु का या तो श्री कृष्ण का ही अंग कांति है, जो उनके अंग से जो किरण मंडल जो ज्वाला वो जो उजाला जो है ना वो क्या है, सुनिर्मल ब्रह्म है, जिसको ज्ञानी लोग जो है निर्विशेष कहते हैं, जिसका कोई विशेषण नहीं है। लेकिन जो गोविंद क्या बोलते हैं ब्रह्म संहिता से उन्होंने बताया कि जिनकी प्रभा से मतलब जिनकी अंग कांति ही कारण ही जितना भी वसुधा जितने भी ब्रह्मांड और जितने पृथ्वी प्रकाशमान है वो अंग प्रभा मेरे गोविंद का है, उन गोविंद को मैं भजना कर रहा हूँ, इस प्रकार बताया। तो अभी हम पढ़ेंगे आदि लीला का द्वितीय परिच्छेद 15।
कोटि कोटि ब्रह्मांडे जे ब्रह्मेर विभूति सेई ब्रह्म गोविंद अंग कांति। तो इस श्लोक का ही बांग्ला में विस्तार कर रहे हैं। जो कोटि कोटि ब्रह्मांड है वो ब्रह्म का ही विभूति। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो गुणावतार है, ये ब्रह्म है, भगवान का अंग कांति अंग ज्योति है ना। तो इसमें कोई विशेषण नहीं है। ब्रह्म में, ब्रह्मा जी में है विशेषण, उनका कोई आकार है, उनके चार मुख है और ये सब है, लेकिन ब्रह्म में कोई विशेषण नहीं है, ऐसा लोग मतलब इस प्रकार विदित है। तो ये ब्रह्म का विभूति जो है यही कोटि कोटि ब्रह्मांड का विभूति है, मतलब ब्रह्मांड ब्रह्म का ही विभूति है, और वो ब्रह्म मेरे गोविंद का अंग कांति है। ब्रह्मा जी अपने स्तव में बोल रहे हैं, जो ब्रह्म देख रहे हैं, जिनका विभूति जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो गोविंद का ही अंग ज्योति है, अंग कांति है। से गोविंद भजियामी तेहो मोर पति तहार प्रसादे मोर हाय सृष्टि शक्ति। बोल रहे हैं वो गोविंद को मैं भजना कर रहा हूँ, वही मेरे पति हैं, मतलब वही मेरे, वहीं से मेरा प्राकट्य है, जन्म है। और इतना ही नहीं, सिर्फ उनकी कृपा कृपा के कारण ही मैं यहाँ पर, मेरे अंदर सृष्टि करने की शक्ति है। अगर भगवान की कृपा अगर नहीं है तो फिर सृष्टि मैं नहीं कर पाऊँगा। मतलब वो बोल रहे हैं कि सृष्टि का जो मूल आधार है, मूल जो जहाँ से मेरा शक्ति है, वो भगवान से ही है। श्रीमद् भागवत का श्लोक यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। मुनयो वातवसनाम श्रमणा ऊर्ध्व मत्थिनः ब्रह्माख्य धामते यान्ति शांता सन्यासिनो अमल्यः। श्रीमद्भागवत का 11वां स्कंद से है, उद्धव को बोल रहे हैं। इसका मतलब है दिग्वसन श्रमशीलो उद्धवरेता मुनिगण शांत ओ निर्मल सन्यासी सकल ब्रह्मधाम लाभ करें। तो वो ब्रह्मधाम को कौन लाभ करते हैं, मतलब कौन व्यक्ति वहाँ पर जाने के लिए योग्य है। बोल रहे हैं दिग्वसन, जिनका दिग ही वस्त्र है, मतलब जो दिगंबर लोग, श्रमशील, श्रमशील मतलब यहाँ पर जो साधारण मनुष्य जो श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो श्रम के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जो तपस्या आदि श्रम, जो तपस्या करते हैं, और दिग्वसन है केवल मात्र चार जो दिख है वही उनको, उनका वस्त्र है। और ऊर्ध्वरेता मुनिगण, ऊर्ध्वरेता मतलब जो अपने इंद्रियों को संपूर्ण रूप से उन्होंने, जिन्होंने दमन कर लिया है, जीत लिया है, वो वैसे मुनि लोग शांत और निर्मल सन्यासी शकल, और शांत निर्मल जिनके अंदर कोई किसी भी प्रकार का मलिनता नहीं है जड़, वो सन्यासी सकल जितने भी सन्यासी है वो ब्रह्मधाम को लाभ करते हैं, वही ब्रह्मधाम को लाभ करने का अधिकारी है। वहाँ कौन जाएंगे ब्रह्मधाम, वो बोल रहे हैं तपस्या आदि करते हैं जो। आप इसके बाद बोल रहे हैं अंतर्यामी के बारे में, अभी ब्रह्म के बारे में बोले, ब्रह्म परमात्मा और भगवान बोले। सबसे पहले मैं अनुवाद संज्ञा जो विषय है, जिस विषय के सब लोग जानते हैं, उसके बारे में बोलूँगा। उसके बाद उसका जो विधेय, जो उसका जो कहाँ से उसका उत्पत्ति है, मतलब क्रिया वेब फॉर्म जो है, उसके बाद बताऊंगा। तो इसलिए उन्होंने पहले बोला ब्रह्म, जिस ब्रह्म को लोग जानते हैं, ब्रह्म को, वो ब्रह्म यस्य प्रभा, जिनकी प्रभा है, जिनकी अंग कांति है। अब दूसरा बोल रहे हैं अंतर्यामी, ये पूर्व श्लोक के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। उद्धव जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाएंगे, इस प्रकार जब उनको मालूम पड़ा, तब उद्धव को जो है
उद्धव ने शिक्षा प्रार्थना किया था, कुछ आप शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं। तो उस समय बोल रहे हैं, जो भक्त लोग जो भक्ति के द्वारा बहुत सहज सुलभ जो भगवान का चरण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो योगी लोग, तपस्वी लोग, ध्यानी लोग इतना क्लेश कर, इतना कष्ट कर जो तपस्या इत्यादि करके जो प्राप्त करते हैं, वो इतना कष्ट करने के बाद केवल मात्र ब्रह्मलोक को ही प्राप्त कर पाएंगे। ये बोलते हुए ये श्लोक बता रहे हैं, इतना तपस्या करने के बाद, इतना कठिनाइयों को उन्होंने स्वीकार करने के बाद कहाँ तक जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मलोक तक। लेकिन उससे भी ऊपर जो अंतर्यामी या परमात्मा और उससे भी ऊपर जो भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए अनायास भक्ति मार्ग के द्वारा हो सकता है। उसके बाद द्वितीय, अंतर्यामी जारे योगेश योग शास्त्र कय से ही गोविंदेर अंश विभूति जे हॉय। तो योग शास्त्रों में जो ये पहले का है ज्ञान मार्ग ये लोग, अभी योग शास्त्रों में जिनको जिनको अंतर्यामी, अंतर्यामी मतलब जो सब जगह व्याप्त है, जो सब जगह हैं, उनको बोलते हैं अंतर्यामी। जो योग शास्त्रों में जिनको अंतर्यामी कहते हैं वो गोविंद के ही अंश विभूति है ना, विभूति मतलब उनका ऐश्वर्य, उनका अंश है। अनंत स्फटिके जैचे एक सूर्य भासे तैचे जीवे गोविंदेर अंश प्रकाशे। जो अनंत स्फुटिक, बहुत सारे जो जम्स हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, उसके अंदर सूर्य गिरने से उसका चमक अलग अलग नजर आता है, अलग अलग प्रतीत होता है, उसी प्रकार तैचे जीवे गोविंदेर अंश प्रकाश है। उसी प्रकार जीवों के अंदर जो अंश के रूप में वो प्रवेश होते हैं, एक ही है तत्व, एक ही है, लेकिन अलग अलग वस्तुओं में वो प्रतीयमान होते हैं या प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य अलग अलग जो मणियों के ऊपर गिर के अलग अलग रिफ्लेक्शन और बहुत सारे प्रतिबिंब नजर आते हैं, उसी प्रकार यहां पर अमृत प्रवाह भाष्य में भक्तिनाथ ठाकुर जी लिख रहे हैं, अनंत स्फुटिक खंडे एक सूर्य प्रतिभात हैया पृथक पृथक प्रतीति प्रकाश करे। जो जो स्फुटिक का खंड है, मतलब जो कोई जम का जो पीसेस है, पार्टिकल्स है, या तो अलग अलग जम्स हैं, पत्थर हैं, उसके अंदर एक ही सूर्य जो है अलग अलग नज़र आते हैं, सूर्य एक ही है लेकिन अलग अलग नज़र आते हैं, उसी प्रकार अनंत संख्यक जीवे गोविंदेर अंश जे परमात्मा तिनी प्रकाश पान। उसी प्रकार अनंत जीव है, अनंत जीवों के अंदर वही गोविंद जो है उनका अंश रूप में, मतलब परमात्मा के रूप में वो पाया जाता है। ये दोनों श्लोकों का पयारों का प्रभुपाद इस प्रकार व्याख्या कर रहे हैं, भगवान चिद विलासमय विग्रह। भगवान एक चिद विलास, मतलब भगवान का जो भूमि है वहाँ पर चिन्मय भूमि है, और विलास मतलब नाना प्रकार का लीलाएं करते हैं वहाँ पर, चिद विलास है वहाँ पर, जड़ विलास नहीं है, जड़ विचित्रता और जड़ विलास उस जगत में नहीं है। तिनी तुरीय विग्रह बोलिया देवी धामेर कोनो व्यापारी स्वयं आसक्त ना होया पुरुषावतार द्वारा प्रधान और जीवेर नियंता। क्योंकि वो तुरीय वस्तु है, तुरीय मतलब सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, इसके कारण देवी धाम का मतलब इस जगत का कोई भी विषय में, कोई कार्यकलाप में उन वो आसक्त नहीं है। क्योंकि भगवान ने सृष्टि कर दिया, सृष्टि करने के बाद जीवों के लिए सृष्टि कर दिया, और जीव जिस प्रकार यहाँ पर रहना चाहते हैं उनको उस प्रकार का ये दे दिया, और उसमें कोई आसक्त नहीं है। अनंत कोई अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अभी मतलब बहुत जगह ऐसा ये चलता है, अभी कोरोना वायरस हो गया है, अभी भगवान क्या निर्दयालु हो गए हैं, भगवान में कोई दया नहीं है कि वो मतलब इतने अपने अपने जीव बोलते हैं, अपने संतान बोलते हैं, अपने संतान को इतना मरते हुए जो है भगवान को कोई दया नहीं है, है ना, है कि नहीं, प्रश्न है, प्रश्न नहीं है ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन
उन्होंने पहले ही बोल दिया, बेटा तुमको मैं जहाँ भेज रहा हूँ ना वो जेल है, वहाँ पर तुमको डंडा मिलेगा, यहाँ रह जा, यहाँ पर मेरे धाम में रहो, तुमको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तुम वहाँ जा रहे हो तो फिर पुलिस डंडा मारेगी। ना ना, कोई बीच बीच में डंडा पड़ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को एंजॉयर बनना है। तो इसीलिए भगवान ने, चलो ठीक है तुम्हारी इच्छा, समझाने का तरीका है, माता पिता को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। एक अंग्रेजी में कहावत है, वो हज़ार लोग मिलकर के एक हाथी को लेके आ सकते हैं एक तालाब के पास, लेकिन हज़ार लोग मिलकर के पानी पिला सकते हैं उसको? अब जब तक वो इच्छा नहीं करेगा तब तक तो पिएगा नहीं, उसको जोर जबरदस्ती खींच करके तालाब तक लेके आ सकते हैं जरूर, उसका मुंह में पानी पी डाल करके पिला सकते हैं उसको? नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान यही करते हैं, कोई को जबरदस्ती नहीं करते हैं, जबरदस्ती करने से कोई भजन नहीं होता है। इसलिए उन्होंने सब जीवों को बोला कि देखो यहाँ पर दुख है, यहाँ पर क्लेश है, कभी भी सुख नहीं मिलेगा। तुमको लगता है कि तुम मालिक बन गए हो, लेकिन मालिक नहीं बन सकते हो तुम, दुख मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा देख लूँ, चख के देख लूँ कैसा है, ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो इसीलिए भगवान निरासक्त भाव से देख रहे हैं, आसक्त नहीं है इससे, क्योंकि देखो ठीक है मैंने तो समझा दिया, तो नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसलिए भगवान का एक और वस्तु है वैराग्य, जो षड ऐश्वर्य में एक है वैराग्य, जो विरक्ति, जो एक माता पिता अपने संतान के प्रति कितना अनुराग हो जाता है और उसको कुछ हुआ तो फिर इनको ये हो जाता है। लेकिन भगवान इतना पूरा ऐश्वर्य उनका है, ये जगत उन्होंने विस्तार किया है, इसको भोगने का भी जीवों को दे दिया। ऐसा नहीं बोला है कि जो है ये मेरी ऐश्वर्य है, मेरा ऐश्वर्य है, इसमें तुम लोगों का प्रवेश नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है तुम जैसा मर्जी करो करो। इस प्रकार अनासक्त भाव से जो माया को नियंत कर रहे, नियंत मतलब कंट्रोल कर रहे हैं वो, और प्रधान को भी, किस प्रकार? पुरुषावतार के रूप में। भगवान पहले ही बोल दिया चित विलास विग्रह है, वो लीलाएं कर रहे हैं वहां पर। भगवान ये यहां पर कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी में वो बिजी नहीं है। अगर हमको लगे ये सृष्टि लाई और श्रुति वो देखने के लिए भगवान बिजी हैं, इस चीज में कोई बिजी नहीं है, वो तो पुरुषावतार को लगा दिया तुम लोग मेंटेन करो, तुम लोग ये करो वो करो, वो स्वयं चित विलास लीला कर रहे हैं, स्वयं अपने धाम में लीला कर रहे हैं। लेकिन पुरुषावतार के द्वारा ये जो है ये जीवों को और माया को, महत्त्व को वो चला रहे हैं। त्रिविधो पुरुषावतारेर तत्वबोध होइले ही जीव चतुर्विंशो मायिक तत्वोपाधि होते मुक्त होन। अब बोल रहे हैं तीन प्रकार का जो पुरुषावतार, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी, कारणोदकशायी, ये तीन विष्णुओं के बारे में ज्ञान होने से जो 24 प्रकार का जो मायिक तत्व है, 24 प्रकार का मायिक तत्व क्या है, देवधर्म में नहीं आया? ओके, 10, 5 पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच जो है इंद्रियार्थ विषय वस्तु, ठीक है, मन बुद्धि अहंकार, 21 हो गए, और त्रिगुण 18 हुए क्या, नहीं 21 हुए, 18 हुए त्रिगुण, और तीन क्या है महत्तत्व, किस महत्तत्व भी उसके अंदर आता है, 22 हो गए, दो और ढूंढना पड़ेगा, जो भी है 24 तत्व जो है ये 24 तत्व से ऊपर उठेगा। कब? जब ये तीन तत्व, तीन पुरुषावतार के बारे में, कौन, कर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी, ज्ञानोदकशायी विष्णु के बारे में जब ज्ञान होगा तब ये 24 तत्व, मतलब 24 तत्व मतलब माया से मुक्त होगा, सीधी सी बात। प्रति जीवेर अंतर्जामी क्षीरदशायी महाविष्णु ब्रह्मांडेर समष्टि जीवेर अंतर्जामी रूपे गर्भोदशायी महाविष्णु ब्रह्मांडेर स्रष्टा कारणदकशायी अंतर्जामी महाविष्णु पुरुषावतारत्रय
देवी धामेर सृष्टि कर्त्र स्वरूप आंशिक कार्यर नियंता, जो प्रत्येक जीव में जो अंतर्यामी के रूप में जो क्षीरोदकशायी विष्णु है और गर्भोदकशायी विष्णु है, पूरा ब्रह्मांड का अंतर्यामी रूप में है, और जो कारणोदकशायी है जो गर्भोदकशायी का जो मूल है, ये तीन पुरुष अवतार जो है देवी धामेर सृष्टिर कर्त्र स्वरूप आंशिक कार्य नियंता, ये सब जो है ये जगत का जो कार्य का नियंता है, मतलब चलाने वाले हैं। चतुर्विंशो चतुर्विंश माइक तत्व अतिक्रम उद्देश्य उद्देश्य परमात्मा सह योग विधाने योग विधान योगशास्त्रे कथित आचे सूत्रांग अंतर्यामी पुरुष परमात्मा गोविंदेर अंशो विभूति मात्र। तो योग शास्त्रों में इस परमात्मा के बारे में अच्छे से उल्लेख किया गया, परमात्मा तत्व क्या है, परमात्मा वस्तु क्या है, उसके बारे में उल्लेख किया हुआ है। ये अंतर्यामी पुरुष जो परमात्मा जो है गोविंद का ही एक अंश है। एकमात्र सूर्य जे प्रकार निज स्थाने अवस्थान पूर्वक अनंत स्फटिक खंडे अनंत मूर्ति ते प्रतिभात हन, सही प्रकार एकमात्र श्री गोविंद गोलोक वृंदावने नित्य प्रकट थाकिया अनंत जीव हृदय जीवेर सूर्य पुरुष अंतर्यामी परमात्मा रूपे प्रकाशित हन। जिस प्रकार सूर्य एक ही जगह है, अपना एक ही जगह है, लेकिन छोटे छोटे स्फटिक के अंदर जो है रिफ्लेक्शन होने के कारण वहां पर है और इतने सारे रूप में प्रकाशित होता है, इसी प्रकार गोविंद भी वहां में है, अपने धाम में, नित्य धाम में, वहां पर जो है अलग अलग जीवों में परमात्मा के रूप में प्रवेश होकर के इतने प्रकार के भिन्न भिन्न रूप में वो दृश्य होते हैं या नजर आते हैं, प्रकाशित होते हैं। द्वा सुपर्णा समुजा सयुजा प्रभृति मंत्रत्रये एकवृक्षे सेव्य सेवक भावे अवस्थित जीवात्मा ओ परमात्मा रूप पक्षिधयेर उल्लेख आचे। जो वेदों में द्वा सुपर्णा सयुजा करके श्लोक है जहां पर बोलते हैं कि एक ही पेड़ के डाल के ऊपर दो पक्षियां बैठे हैं, दो चिड़ियां, एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा। परमात्मा जीवात्मा के कर्मफल भोग करान किंतु तादृश फल भोक्ता होना। जो परमात्मा है वो परमात्मा है, जीवात्मा को अपना कर्म का फल भोग कराता है। कर्म का फल भोग कराता है मतलब जो अपने पहले कर्म किया था उस कर्म का, अच्छा कर्म का अच्छा फल, बुरा कर्म का बुरा फल, और उसमें सुख या तो दुख, ये सब अनुभव करता है। लेकिन उसके हृदय के अंदर बैठा हुआ परमात्मा उसका अनुभव नहीं करता है, क्योंकि वो भोक्ता नहीं है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो कि नहीं? वो है लेकिन वो भोक्ता नहीं है। लगता है हमारे शरीर के अंदर परमात्मा है, शायद उसको भी दुख मिलता होगा, बोलते हैं नहीं, वो केवल मात्र भोग कराता है, सुख हो या दुख हो, लेकिन वो इससे निर्लिप्त है, इससे परे है। परमात्मा जीवा तादृश फलभोक्ता होना। जे काले जीव कर्म फल भोक्तृत्व त्याग करिया सेव्य परमात्मार महिमा जानिते पारेन तखन निरंजन होइया परम समता वैकुंठ लाभ करेन। लेकिन जब ये कर्मफल नाना प्रकार का कर्मफल भोगने के बाद कभी उसको दिमाग में आया ये तो इस जगत में तो दुख ही है, भगवान के पास पहुंचना है, इस प्रकार जब कोई अच्छा बुद्धि आने के बाद वो कर्मफल का भोक्तृत्व भाव मतलब भोग करने की इच्छा को परिपूर्ण रूप से त्याग करके सेव्य परमात्मा, जो उसके हृदय के अंदर जो सेव्य है मतलब जिसको सेवा करना है, जो परमात्मा भगवान उनका महिमा जब जान पाता है तब वो निरंजन होता है। निरंजन मतलब निष्कलंक, बिना कोई मल का, बिना मतलब शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होकर के परम समता वैकुंठ, वैकुंठ जहाँ पर समता मतलब इक्विटी है, मतलब वहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, वहाँ पर कोई दुख नहीं है, उस वैकुंठ धाम में उसका प्रवेश होगा। तो बोल रहे हैं उसके बाद गीता का श्लोक, अथवा बहुने तेन किं याते तवार्जुन विष्टव्याहम इदं कृत्स्न एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन,
अधिक की बोलबो अमी एक अंशे परमात्मा रूपे अखिल जगते प्रविष्ट होइया अवस्थित हो। ये श्रीमद्भागवत गीता का दसम स्कंद में आता है, जिसको बोलते हैं विभूति योग। भगवान अपना विभूति अध्याय इसको बोलते हैं विभूति योग। विभूति योग मतलब भगवान अपने विभूतियों को बोल रहे हैं, विभूति मतलब अपना जो ऐश्वर्य। तो उनमें से सब कुछ बोलने के बाद ये है 42वां श्लोक, मुझे लगता है ऑलमोस्ट लास्ट श्लोक है, लास्ट ही है लगभग। तो उसमें बोल रहे हैं और क्या बोलना है अर्जुन, इतना तो बोल दिया और क्या बोलना है। हे अर्जुन अधिक की बोल वो अमी एक अंशे, इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं, एक शब्द में खत्म कर देता हूँ या तो एक सेंटेंस में खत्म कर देता हूँ। मैं एक अंश के रूप में, एक अंश होकर के परमात्मा के रूप में इस जगत में अवस्थित हूं, मतलब हूं, मतलब मतलब इसके अलावा और क्या विभूति बोलना है, मतलब उनका ही विभूति है सब कुछ। भगवान अर्जुन के नाना प्रकार निज संबंध तत्व बुझाइया ताहार संख्य पार्थ यही श्लोके प्रकाश करते छन। तो उनका समस्त प्रकार का तत्व समझाने के बाद रसोहम अप्सु में पानी के अंदर पानी हूँ, ये उसका अंदर जो रस हूँ टेस्ट हूँ, या तो यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी जो यज्ञों के बीच में मैं जप हूँ, और क्या अश्वत्थ सर्व वृक्षानाम जितने भी प्रकार के वृक्ष हैं सब में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, इतना सब नाना प्रकार का उन्होंने जो है उसमें अपना विभूतियों को बताया। विभूतियों को बताने के बाद जो शेष उक्ति है, शेष में वो बोल रहे हैं कि और क्या बोलना, मैं एक अंश रूप में इस जगत में हूँ। उसके बाद भागवत का एक श्लोक बोल रहे हैं, तम इमम अहमजम शरीर भाजाम हृदि धिष्ठितम आत्मकल्पितानाम प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम समधिगतो अस्मि विधूदते विधूत भेद मोहः। युधिष्ठिर भीष्मे निकट धर्म जिज्ञासा वासनाय यात्रा करिले अर्जुने रथे श्रीकृष्ण ताहार अनुगमन करें। इस श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद में आता है, बोल रहे हैं कि जब भीष्म कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर जो है भीष्म के पास, श्री कृष्ण ने बोला थोड़ा भीष्म के पास जाकर के ज्ञान लो, तब जो है जो धर्म जिज्ञासा लेकर के अपना जो है धर्म के बारे में जानने की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज भीष्म के पास जब जाने लगे, अर्जुन भी उस रथ में, अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण भी साथ में चल पड़े। अन्यान्य देवर्षि ब्रह्मर्षिगण भीष्मेर दर्शन जन्नो तथा उपस्थित होइले युधिष्ठिरेर कतिपय प्रश्नेर उत्तर दिवार पर भीष्मेर निर्जान काल उपस्थित होइले तिनी सम्मुख स्थित श्रीकृष्ण के अनेक गुली श्लोक स्तव करें तन्मध्ये यही एक्टी। बोल रहे हैं जब अर्जुन भी आ गया, कृष्ण भी आ गए, पांडव सब आ गए हैं युधिष्ठिर महाराज के साथ, और वहाँ पर अन्यान्य देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि देवताएं सब लोग उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि युधिष्ठिर वहाँ पर धर्म जिज्ञासा लेकर के जा रहे हैं, जितने भी ये सब वहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तब युधिष्ठिर ने बहुत सारे प्रश्न किया, वो प्रश्न करने के बाद सबका उत्तर भीष्मदेव ने दिया। उसके बाद भीष्मदेव ने देखा कि उनको इस जगत छोड़ करके जाने का समय नज़दीक है, तब उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण का वंदना करना शुरू किया, स्तव शुरू से। एक श्लोक ये है जो अभी हमने पढ़ा, उसका अर्थ क्या है, भीष्म कहिलेन हे कृष्ण एक ही सूर्य जे रूप प्रतिचक्षुर विषयीभूत भिन्न भिन्न वस्तु बोलिया बोध होय तद्रूप तुमार एक अंश रूप परमात्मा प्रति देहे देहीर हृदये अधिष्ठित होइया पृथक तत्व रूपे अनुमित हन। वही जो पूर्व श्लोक में बताया, जो एक ही सूर्य एक जगह रहते हुए अलग अलग प्रकाश प्राप्त होता है, उसी प्रकार हे प्रभु आप एक अंश के रूप में
सब जीवों के हृदय में एक अंश मतलब वही परमात्मा के रूप में आप सब जीवों के हृदय में अधिष्ठित होकर अलग अलग तत्व के रूप में आप दृश्य होते हैं, लेकिन आप एक ही तत्व है परमात्मा, मतलब वो भगवत तत्व और आपका ये अंश रूप है। किंतु जगन तहारा तुमार आत्मकल्पित किंतु जखन ताहारा तुमार आत्मकल्पित है अर्थात तुमार दासरूपे अपना दिके जाने तखन आर से भेद मोह थाके ना। लेकिन जब वो समझते हैं कि वो आपके दास हैं, मतलब आपके दासत्व में जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब ये भिन्न भिन्न रूप नहीं देखेंगे, आपका एक भगवान स्वरूप, नित्य स्वरूप, उसी का दर्शन करेंगे। परमात्मा के तुमार अंश जानिया सही रूप विगत भेद मोह होया अम्यु तुमार अजस्वरूपेर ज्ञान लाभ करिलाम। तो अभी मेरा भी मोह अभी खत्म हो गया कि आप अलग हैं, आप ही परमात्मा हैं, इस ज्ञान अभी मुझे उपलब्ध हुआ है, इसलिए आप अजस्वरूप हैं, मतलब अजस्वरूप मतलब आपका कोई जन्म नहीं है, आप जैसे हम जैसे जन्म लेते हैं श्री कृष्ण, आपका आपका जन्म हुआ है, इस प्रकार मोह जितना भी है अभी पूर्ण रूप से खंडित हो गया है, आप वही परतम तत्व है, इस प्रकार मैं स्थित हो गया, मेरा मोह अभी खंडित हो गया है। सही तो गोविंदो साक्षात चैतन्य गोसाई जीव निस्तारिते ऐछे दयालु आरनाय। अब जो है भगवत तत्व के बारे में बोल रहे हैं, एक तो ये हो गया आपका ज्योति, ब्रह्म ज्योति जो भगवान का अंग कांति है, दूसरा हो गया अंश जो परमात्मा है, और अभी बोल रहे हैं सही तो गोविंद, वो गोविंद मतलब एक गोविंद का अंश है और एक गोविंद का अंग कांति है, तो गोविंद कौन है, अब वो गोविंद के बारे में बोल रहे हैं। सही तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, वो गोविंद भगवान, गोविंद मतलब गोविंद जो इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, वो चैतन्य गोसाई, वो चैतन्य महाप्रभु से अभेद है, या तो चैतन्य महाप्रभु उनसे अभेद हैं। जीव निस्तारित ऐछे दयालु आरनाय, बोल रहे हैं ऐसा जीवों को उद्धार करने के लिए आपके जैसा, मतलब चैतन्य महाप्रभु जैसा और कोई दूसरा दयालु नहीं है। अमृत प्रवाह भाष्य में भक्तिनोद ठाकुर लिख रहे हैं, इस स्थले साक्षात शब्द प्रयोग द्वारा ग्रंथकार सिद्धांत कुरते चंजे श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं गोविंद अर्थात गोविंदेर प्रकाश व बिलास नन, बोल रहे हैं यहां पर सही तो गोविंद साक्षात चैतन्य, यहां पर साक्षात शब्द यूज किया इसलिए कि ग्रंथकार सिद्धांत बोलते चंजे श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं गोविंद। साक्षात मतलब ये ना आपका अंश है, ना आपका कला है, ना आपके विलास हैं, ना आपके प्रकाश हैं, साक्षात आप ही हैं, गोविंद ही चैतन्य महाप्रभु है, इसमें इस श्लोक में सिद्धांत कर रहे हैं। परभ्योमेते वैशे नारायण नाम षडैश्वर्य पूर्ण लक्ष्मीकांतो भगवान, जो परभ्योम मतलब जो वैकुंठ धाम है वो नारायण वैकुंठ धाम नारायण, अब भगवान ग्रेडेशंस है, जाओगे उतना ग्रेडेशंस, अब क्या बोलते हैं नींद है, अब गूगल मैप देखोगे मायापुर का मान देखोगे तो एकदम सीधा रास्ता नजर आएगा, थोड़ा जूम करो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नजर आएगा, और थोड़ा जूम करो और भी डिटेल्स आएगा, और थोड़ा जूम करो इधर ये है रेस्टोरेंट है, इधर ये है, इधर वो है ना, सारे डिटेल्स आएंगे, है कि नहीं, ऊपर से देखेंगे तो एक सजा रास्ता है, सीधा रास्ता है। इसी प्रकार अब बोल दिया साक्षात भगवान है, तो साक्षात भगवान में भी जब वैकुंठ धाम में प्रवेश करेंगे तो वहां पर भी एड्रेस अलग है, कैसा एड्रेस है वो बता रहे हैं अभी। परव्योम में थे वैसे नारायण नाम, जो परव्योम वैकुंठ में जो बैठे हैं उनका नाम है क्या, नारायण। षडैश्वर्य पूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान, और वो लक्ष्मीकांत लक्ष्मीपति भगवान है, वो षडैश्वर्य पूर्ण
क्या है प्रभु जी? षडैश्वर्य क्या है वो? नहीं मालूम? क्यों बोलने से बोल देगा? कौन श्लोक का स्टार्टिंग बोलने से पता चलेगा? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। अच्छा नहीं मालूम। जो छह प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, क्या समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, श्रेय मतलब जो ब्यूटी, ज्ञान और वैराग्य, ये छह जिनके रूप से है शरणांग भग इतिंगणा, इनको भग बोलते हैं, ऐश्वर्य को भग बोलते हैं। ये छह भग जिनके अंदर है उसको बोलते हैं भगवान। वो विस्तार में बाद में सुनेंगे ना, अभी अभी बोलेंगे नहीं, वो भगवान का भी बाद में आएगा। तो परव्योम में जैसे जो जो है उनका नाम नारायण है, वो शरैश्वर्य पूर्ण है और उनका वो लक्ष्मीकांत भगवान है। वेदो भागवतो उपनिषदो आगमो पूर्ण तत्व जारे कहे नाही जार समो। बोल रहे हैं वेद भागवत शास्त्र उपनिषद आगम शास्त्र जिनको पूर्ण तत्व बोलते हैं। शास्त्र दो प्रकार के हैं, एक आगम शास्त्र एक निगम शास्त्र। निगम शास्त्र वेदों को बोलते हैं निगम शास्त्र, जिसका भगवान स्वयं ही आदि है, भगवान स्वयं ही सृष्टि करता है, उसको बोलते हैं निगम शास्त्र, उसका आदि भगवान है। और आगम शास्त्र मतलब जो निगम से आगत है, जो निगम से आया है उसको बोलते हैं आगम, जैसे पुराण या तो उपनिषद या तो उपपुराण या पंचरात्र या महाभारत इत्यादि, ये सब जो है ये आगम शास्त्र में आते हैं। तो आगम वेद शास्त्र निगम शास्त्र, वेद मतलब निगम, ठीक है, आगम मतलब बाकी। वेद शास्त्र लो, आगम शास्त्र लो, भागवत लो, उपनिषद लो, जो भी ग्रंथ लोगे ये सब शास्त्रों में बोलते हैं जिनको पूर्ण तत्व, उस नारायण को ही पूर्ण तत्व बोलते हैं। पूर्ण तत्व क्यों? क्योंकि वो परमात्मा आंशिक है और ब्रह्म भी आंशिक है, पूर्ण नहीं है वहां पर। पूर्ण किसको बोलते हैं? पूर्ण वस्तु उसको बोलते हैं जिसके अंदर हम मनुष्य है, हम क्रिया कर पाएंगे, ब्रह्म क्रिया नहीं कर पाएगा, तो पूर्ण कैसे हुआ? हम तो ब्रह्म से बेटर हो गए हैं, है कि नहीं? हम कुछ क्रिया कर पाएंगे, ब्रह्म नहीं कर पाएगा क्योंकि निष्क्रियक है, निःशक्तिक है, निर्विकार है, निर्विशेष है, वो ब्रह्म कोई कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन हम कर पा रहे हैं। इसका मतलब हम तो ब्रह्म से श्रेष्ठ हो गए, या तो हमारे अंदर एक गुण एक्स्ट्रा है ब्रह्म से, तो ब्रह्म पूर्ण कैसे हुआ? इसीलिए भक्त लोग भगवान को ही पूर्ण वस्तु मानते हैं और परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन लीला कहाँ है? उनका विस्तार कहाँ है? लीला कहाँ है? बैठे हैं कर्म नियंता के रूप में, जो कर्ता भुगता रहे हैं जीवों को, लेकिन उस ये कौन सी बड़ी लीला है? उनके अपने कोई कार्यक्रम नहीं है क्या लोगों को भोग कराने के अलावा? नहीं समझ? नहीं समझा? तो सीधी सी बात यह है कि भगवान में पूर्णतम, भगवान को पूर्ण वस्तु बोला जाता है ना? पूर्ण वस्तु इसीलिए है क्योंकि भगवान के अंदर सब ऐश्वर्य भी है, लीला भी है, क्रिया भी है, सब कुछ है ना? वहां पर एक भाव व्यक्त करते हैं, लेकिन ब्रह्म में है उस भाव नहीं है? कैसे नहीं है? क्या कहा? क्या, 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 क्या मैंने कहा तो मतलब मान लिया क्या? बाद में, कल पाठ में नहीं था ना, इसलिए तुमको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए रोज आना पड़ेगा। तो इसलिए उसको बोलते हैं क्या? पूर्ण तत्व, जो शास्त्रों में जिनको पूर्ण तत्व बोला गया है, ना ही जार सम, उनके समान कोई नहीं है, मतलब ब्रह्म उनके समान नहीं है, परमात्मा भी उनका समान नहीं है, और कोई भी दूसरा तत्व, जीव तत्व, प्रकृति तत्व, कोई भी तत्व जो है उनके बराबर नहीं है। उनको बोलते हैं परव्योम में जो नारायण।
भक्ति योग जाहार दर्शन सूर्य जेनो सब ग्रह देखे देवगण। तो ये भगवत तत्व के बारे में ही पूरा वर्णन कर रहे हैं, जो भगवत तत्व श्रेष्ठ तत्व कैसे है, जो आंशिक तत्व जो ब्रह्म ज्योति और जो परमात्मा से भी भगवत तत्व किस प्रकार पूर्ण है, श्रेष्ठ है, वो बता रहे हैं। भक्ति योगे भक्त पाई जहार दर्शन, भक्ति योग के द्वारा जिस प्रकार भक्त लोग दर्शन कर पाते हैं भगवान को, कैसे, उदाहरण दिया सूर्य जेनो सभी ग्रह देखे देवगण, जिस प्रकार देवता लोग सूर्य को विग्रह रूप में दर्शन कर रहे हैं, हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन देवता लोग देख पा रहे हैं, मतलब वो उनका सूर्य दर्शन वास्तव सूर्य दर्शन है, हमारा एक ब्रह्म दर्शन है, हम एक डिस्क के रूप में देख रहे हैं, एक एक मंडल ज्योति मंडल के रूप में सूर्य को, है कि नहीं। कल हमने इसको विस्तार से सुना था कि सूर्य का भी एक किरीट है, एक मुकुट है, एक सिंहासन है, सात अश्व है जिसके ऊपर सवार होकर के रथ के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमारा दर्शन नहीं हो रहा है भगवान का विग्रह, तो सूर्य का विग्रह तो दर्शन नहीं हो रहा है हमको, केवल मात्र उनका इसको देख रहे हैं, लेकिन उस सूर्य का विग्रह को कौन देख पा रहे हैं, देवता लोग। जिस प्रकार देवता लोग सूर्य का विग्रह को दर्शन कर पाते हैं, इसी प्रकार भक्त लोग भगवान का मूर्ति दर्शन कर पाते हैं, उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं देंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा, उदाहरण के तौर पर बोल रहे हैं ये। ज्ञान मार्गे तारे भजे जेई शॉप ब्रह्म आत्मा रूपे तार करे अनुभव, वही सूर्य का एक और एक बिंब के रूप में है और तीसरा किरण के रूप में है, रोशनी के रूप में है, तो एक बिंब के रूप में जो देख रहे हैं वो ज्ञान मार्ग अवलंबी, जो तार भजे जेई सब ब्रह्म, उनको एक ब्रह्म के रूप में, मतलब जो ब्रह्म ज्योति के रूप में उनको देख रहे हैं, मतलब सूर्य से जो ज्योति निकल रहा है उसको ज्ञानी मार्गी लोग दर्शन करते हैं। उपासना भी और जो है ध्यान मार्ग का लोग जो है वो लोग क्या करते हैं, भगवान का परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं। उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा अतएव सूर्य तारे दिते दिए तो दिए तो उपमा, बोल रहे हैं कि भेद है या उपासक का भेद है, वर्शिपर जो भजना कर रहा है, जो पूजा कर रहा है उसका भेद है, या साधन का भेद है, क्या साधन का भेद है, एक भक्ति एक ज्ञान मार्ग और एक मार्ग अलग है ना, या तो मार्ग अवलंबन करने वाले लोग अलग है इसलिए उनका दर्शन भी अलग है, वस्तु एक ही है, वस्तु अलग नहीं है, वस्तु एक ही है लेकिन वस्तु जो मार्ग को अवलंबन किया उस हिसाब से उसका अनुभव अलग अलग है, इसीलिए सूर्य का यहाँ पर उदाहरण दी गई है। सूर्य को जिस प्रकार देवता लोग उनका विग्रह देख पाते हैं क्योंकि उनका अधिकार है, ज्ञानी लोग उनको एक इसके रूप में देखते हैं, ब्रह्म के रूप में देखते हैं, और योगी लोग उनका एक बिंब के रूप में देखते हैं, उसी प्रकार भगवान का। तो लेकिन पूर्ण तत्व है भगवत तत्व, जहाँ पर सब क्रिया भी है, लीलाएँ भी है, रस का आदान प्रदान है, जिस प्रकार इस जगत में है वो पूर्ण उस जगत में है, पूर्ण तत्व इसलिए भगवान का को बोला गया। तो यहाँ पर अमृत प्रवाह भाष्य में भक्तिनो ठाकुर जी लिख रहे हैं, भगवानेर जे नित्य विग्रह ताहा जड़ेन्द्रिय व ज्ञान चेष्टार द्वारा देखिते पावा जायना। तो भगवान का जो नित्य विग्रह है, जो नित्य स्वरूप, जो भगवत षड ऐश्वर्यपूर्ण जो भगवत विग्रह है, वो इन जड़ेन्द्रियों के द्वारा, चर्म चक्षुओं के द्वारा और ज्ञान चेष्टा द्वारा, ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जानना और ज्ञान के द्वारा जानना दोनों में चेष्टा है, भक्ति में कृपा है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं उदित होने के बाद ही दर्शन कर सकते हैं, अब रात को कितना भी ज्ञान हो या कितना भी आंखों की ताकत क्यों ना हो,
दूरबीन वगैरह लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जब वो स्वयं उदित होंगे अगले दिन सुबह, तो अपने आप उनको उनका दर्शन हो जाएगा, क्योंकि स्वयं प्रकाश्य वस्तु को ज्ञान कर्म चेष्टा के द्वारा प्राप्त करना मुश्किल है। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल मात्र उनकी कृपा के माध्यम से। कृपा कैसे आएगी? भक्ति के द्वारा, क्योंकि भक्ति के वशीभूत हैं भगवान, ज्ञान के द्वारा नहीं। अपना ज्ञान के द्वारा क्या भगवान को प्राप्त कर पाएंगे? बड़े बड़े लोगों ने चेष्टा कर लिया, लेकिन ज्ञान के द्वारा संभव नहीं है। भक्ति योगे अर्थात भक्ति वृत्ति द्वारा भक्तगण ही केवल ताहा दर्शन करते योग्य हन। तो भगवान का जो भगवत विग्रह है, वो भगवत विग्रह का दर्शन केवल मात्र भक्ति चेष्टा के द्वारा, क्योंकि भक्ति में क्या है, एक आदान प्रदान है, सेवा करने की अभिरुचि है, उसके द्वारा भगवान का दर्शन होता है। लेकिन ज्ञान के द्वारा वहां पर क्या कुछ करने का तो नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो परमात्मा हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मेरे अंदर कोई जागतिक कलंक नहीं है, इस ज्ञान से सेवा करने का रुचि कहाँ है? अब सेवा करने का रुचि नहीं है तो फिर उस प्रकार का भगवत विग्रह का दर्शन कैसे होगा? समझ रहे हैं कि नहीं? ये नींद आ रहा है सबको? समझ रहे हो? उदाहरण स्थल एजे सूर्य विग्रह विशिष्ट वस्तु, उदाहरण दिया गया है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि भक्ति भाव नहीं है, सेवा करने की अभिरुचि नहीं है, तब तक उनका पर्सनालिटी का हमें अनुभव भी कैसे होगा? आदान प्रदान करना है, जैसे जिस प्रकार जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, उन्होंने जो है वो अब मैं इनको वस्त्र कैसे पहनाऊं, को कैसे मैं अलंकार करूं, मुझे करने की इच्छा है, ना ये भी एक ब्रह्म वस्तु है, मैं भी एक ब्रह्म वस्तु हूं, क्या एक ब्रह्म दूसरा उपासना करेगा? इस प्रकार भाव होने से भगवान विग्रह प्रकट होंगे, वैसे दर्शन देंगे, क्योंकि भाव ही नहीं है। भाव के अनुगत ही तो सेवा प्रदान करेंगे ना, जब भाव ही नहीं है तो कैसे होगा? अब वो जो मुकुंदत का जो पुत्र जो रघुनंदन है, तो वो रघुनंदन को जो है भगवान ने उनके हाथ से लड्डू भी खाया, खाया कि नहीं? मुकुंद दास उनके हाथ से भगवान ने लड्डू खाया, अलाल ना 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 उधर नहीं ना। तो इस प्रकार जो भक्त का भाव, उस भाव के अनुसार भगवान अपना विग्रह का दर्शन देते हैं, नहीं तो ज्ञान मार्ग के द्वारा या कर्म के द्वारा भगवत स्वरूप दर्शन नहीं होगा। तो सूर्य का यहाँ पर बताया गया उदाहरण, सामान्य चर्म चक्खे बा आसुरिक चक्खे से विग्रहेर दर्शन होयना, इन जड़ेंद्रियों के द्वारा या अभक्त चक्षुओं के द्वारा, हीन आंखों के द्वारा भगवत विग्रह दर्शन नहीं होगा। जिस प्रकार कंस के सामने कृष्ण खड़ा था, लेकिन उनका माधुर्य को वो आस्वादन नहीं कर पा रहे थे, वो अपना यम के रूप में दर्शन कर रहे थे, ये तो मेरे को मारने के लिए आया, काल के रूप में देख रहे थे, लेकिन उस प्रकार का भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और रावण ने भी सीता का अपहरण किया, राम जो है परब्रह्म भगवान है, इसका अनुभव नहीं था। सामने खड़े होने से भी शिशुपाल भी नहीं समझ पाए कि ये भगवान है, क्योंकि दुर्योधन भी कितने बार तो कृष्ण को मिला, दुर्योधन भी तो पहचान नहीं पाया। अब नारायण सेना चाहिए या मैं सिर्फ अश्व चलाने वाला बंदा चाहिए, कोई विग्रह नहीं पकड़ूंगा? नारायण सेना ठीक है उसके लिए, क्यों? क्योंकि भगवान को मानता ही नहीं है, भगवान को जानता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के सामने कभी भी भगवान प्रकाश नहीं देते हैं। अब ये सभा में जो है उन्होंने देखा भी भगवान का विश्व, जो विश्वरूप देखा कि नहीं, तब भी तो माना नहीं, क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा भगवत स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं।
अभक्त चक्षु द्वारा, मतलब भक्तिहीन आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं होगा। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, क्या? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम रूपी अंजन लगा हुआ जो आंख है, प्रेम नेत्र, उन प्रेम नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन होता है। संत सदैव, साधु लोग हमेशा देखते हैं, कैसे? अपना प्रेम रूपी नेत्रों के द्वारा। लेकिन जो असुर चक्ष या तो चर्म चक्ष, जागतिक चक्षुओं के द्वारा उस विग्रह का दर्शन नहीं हो पाएगा। देवगणेर दिव्य चक्षु सूर्येर रश्मि जाल भेद करता तहा दर्शन करे। लेकिन देवता लोग, जो देवता लोग हैं, सूर्य का जो रश्मि है, सूर्य का किरण है, उसको भेद करके भगवान के पास जा सकते हैं, सूर्य लोक में प्रवेश कर सकते हैं, उनका अधिकार है, उनकी योग्यता है। इसकी वजह से सूर्य का किरणों को भेद करके जब उनके लोक में जा सकते हैं, तब भगवान का, सूर्यदेव का विग्रह स्वरूप दर्शन होगा। मतलब इस ज्योति रूप को भेद करके जाना पड़ेगा, तब दर्शन होगा। जैसे कल हमने उदाहरण सुना था, कोई आपको आंखों के ऊपर जोर से टॉर्च लाइट मार दें तो फिर कोई देख पाएंगे पीछे कौन है, क्या है, क्या नहीं है? कुछ नहीं, आप आंख जो ज्योति से ही तेजोमय अंध हो जाएगा, पीछे का कुछ नहीं नजर आएगा। उसी प्रकार भगवान का जो दिव्य कांति, अंग कांति, जो ब्रह्म ज्योति है, उस ब्रह्म ज्योति को भेद करके जा पाएंगे तभी तो भगवान का स्वरूप नजर आएगा। तो बोल रहे हैं कि यहां उदाहरण के द्वारा, जिस प्रकार देवता लोग जो सूर्य का जो रश्मि है, सूर्य का किरण है, उसके भेद छेद करके वो सूर्य का लोक में प्रवेश कर सकते हैं, उनको उन चक्षुओं के द्वारा सूर्यदेव का दर्शन होता है। उसी प्रकार जे मानवगण ज्ञान मार्गे ओ योग मार्गे ताहार अनुसंधान करें ताहारा नित्य विग्रहेर रश्मि जाल रूप ब्रह्म एवं अंश रूप परमात्मा के ही अनुसरण करते पारें। तो जो लोग ज्ञान मार्ग और योग मार्ग को अवलंबन करते हैं या उसके द्वारा भगवान का अन्वेषण करते हैं, उसके द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, वो लोग केवल मात्र भगवान का जो परमात्मा रूप या तो ब्रह्म स्वरूप, इनको ही दर्शन कर पाएंगे। ज्ञान मार्ग को अवलंबन करेंगे तो ब्रह्म ज्योति, योग मार्ग को अवलंबन करेंगे तो फिर परमात्मा स्वरूप, यही देख पाएंगे। चिन्मय नित्य विग्रह देखते योग्य होना, किंतु जो चिन्मय विग्रह है, जिसके लिए सेवा प्रधान होना चाहिए, जिसके लिए भक्ति प्रदान होना चाहिए, वो उनकी योग्यता में नहीं है, योग द्वारा और ज्ञान के द्वारा, उसके लिए केवल मात्र भक्ति। यहाँ विश्राम दे, यहाँ विश्राम देते हैं, कल यहाँ से पढ़ेंगे। ये तीनों तत्व के बारे में बता दिया अभी, ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व और भगवत तत्व के बारे में बताया, और कल हम श्रवण करेंगे कृष्ण और नारायण में तत्व, तत्वता एक ही होने के बाद भी लीला में भेद कैसा। अभी हमने यहाँ पर स्थापित कर दिया, जो परतत्व जो है, पूर्ण तत्व भगवान जो लक्ष्मीपति नारायण है, तो यहाँ पर स्थापित हो गया। लेकिन अब कल हम श्रवण करेंगे वो नारायण और कृष्ण किस प्रकार दोनों में भेद है, भेद है या नहीं है, वो कल हम श्रवण करेंगे। आज हुआ 27 तक हुआ, 15 से 27। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी।